एक किसान और उसकी पत्नी एक बंडल खोल रहे थे। तभी एक चूहे ने दीवार की दरार से अंदर झांक कर देखा। बंडल देखकर चूहे ने सोचा, अरे उस बंडल में क्या होगा? शायद खाने पीने की कोई चीज होगी, फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद चूहे ने देखा कि बंडल के अंदर एक चूहे दानी थी। चूहा डर गया। उसने सोचा, किसान और उसकी पत्नी मुझे पकड़ने के लिए चूहे दानी ले आए हैं। अब तो मेरी खैर नहीं है। वह अपने दोस्तों को इस खतरे से सावधान करने के लिए चल पड़ा। चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, घर में चूहे दानी आ गई है, सावधान, घर में चूहे दानी आ गई है। मुर्गे ने यह सुना तो उसने अपनी चोंच से अपने पंख खुजाए और फिर गर्दन तान कर बोला, चूहे भाई, चूहे दानी से खतरा तो सिर्फ तुम्हें है, उसमें भला मैं कैसे फंसूंगा? इसलिए सावधान तो तुम्हें रहना है। चूहा बकरे के पास पहुंचा और उससे बोला, बड़े भाई, किसान ने घर में आज एक चूहे दानी लाकर रख दी है, इससे हम सबको खतरा है। बकरे ने चूहे को दिलासा देते हुए कहा, चूहे भाई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। चूहा निराश हो गया। वह सिर झुकाए किसान के घर लौट आया। उसने सोचा, मुझे तो इसी घर में रहना है, चूहे दानी से मुझे मुकाबला करना होगा। यह सोचते सोचते चूहा सो गया। उसी रात चूहे को एक आवाज सुनाई पड़ी, खट, कहीं कोई चूहे दानी में फंस तो नहीं गया। चूहे ने सोचा। चूहा चूहे दानी की तरफ गया तो उसने देखा कि चूहे दानी में एक सांप फंस गया है। खट की आवाज सुनकर किसान की पत्नी चूहे दानी की ओर दौड़ी। उसने सोचा, चूहा फंस गया। उसने अंधेरे में ही बिना सोचे समझे चूहे दानी में हाथ डाल दिया। सांप ने उसे काट लिया। सांप का जहर किसान की पत्नी के सारे शरीर में फैलने लगा। किसान उसे अस्पताल ले गया। किसान की पत्नी अस्पताल से ठीक होकर तो लौट आई, परंतु अब उसे कमजोरी रहने लगी। उसकी कमजोरी दूर करने के लिए किसान ने मुर्गा काटकर उसका सूप बनाकर अपनी पत्नी को पिलाया। किसान की पत्नी का हाल चाल जानने के लिए आस पड़ोस के लोग आने जाने लगे। आने जाने वालों को किसान ने बकरा काटकर उसका मांस खिलाया। कुछ दिनों में किसान की पत्नी तो स्वस्थ हो गई, परंतु चूहे के सभी स्वार्थी मित्र मारे गए। अपने दोस्तों के मारे जाने का चूहे को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, काश दोस्तों ने मेरी बात मानकर मेरी मदद की होती।